नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। हम सभी यानी किसान अपने खेत में सब्जियों की फसलों में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। इन दवाइयों वाली सब्जियां खाने से हमारी या किसी के भी हेल्थ के लिए हानिकारक है। तो आज हम जानेंगे कि कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव और सब्जियों की तुड़ाई करना, इन दोनों के बीच में कितने दिनों का अंतर होना चाहिए, जिसे वेटिंग पीरियड कहा जाता है। किसी भी फसलों में यानी फल, अनाज या सब्जियों में कीटनाशक रसायनों का अवशेषों की अधिकतम अवशेष सीमा यानी MRL मतलब मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट्स कितनी होनी चाहिए, वो FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगर कीटनाशक अवशेषों की मात्रा MRL से ज़्यादा होगी तब वो हानिकारक साबित हो सकती है। सब्जियों में भी कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग के बाद निर्धारित किए गए समय में अगर सब्जियों की तुड़ाई की जाए तो उस रसायन से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। विभिन्न प्रकार के कृषि रसायनों का वेटिंग पीरियड अलग अलग होता है और एक ही कृषि रसायन का वेटिंग पीरियड विभिन्न सब्जियों के लिए भी अलग अलग होता है। तो अब मैं आपको कुछ सब्जियों के नाम के साथ उसमें प्रयोग में लिए जाने वाले कुछ रसायनों के नाम बताऊंगा और साथ साथ उन रसायनों का वेटिंग पीरियड भी बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले बैंगन की बात करें तो बैंगन में प्रयोग में लिए जाने वाले कुछ रसायन साइपरमेथ्रिन 10% EC जिसका वेटिंग पीरियड है 3 दिन, यानी बैंगन में साइपरमेथ्रिन 10% EC के छिड़काव के 3 दिनों के बाद बैंगन की तुड़ाई कर सकते हैं। आप समझ रहे हो ना। कार्बोरिल 50% WP इसका वेटिंग पीरियड है 5 दिन। नीम तेल आधारित दवाइयाँ यानी एजाडिरेक्टिन 3 दिन, क्लोरोपाइरीफॉस 1 दिन, क्विनालफॉस 3 दिन। इसी प्रकार से मिर्च की फसल की बात करें तो मिर्च में फिप्रोनिल 5% SC इसका वेटिंग पीरियड है 7 दिन। सल्फर की कोई सीमा नहीं है, मतलब प्रयोग के तुरंत बाद भी फलों की तुड़ाई कर सकते हैं। भिंडी की फसल में साइपरमेथ्रिन 10% EC इसका वेटिंग पीरियड है 3 दिन। टमाटर की फसल में एजाडिरेक्टिन 5% 5 दिन, थायरम 80% WP 3 दिन, एजाडिरेक्टिन 1% 3 दिन। तुअर की फसल में फेनवेल रेट का वेटिंग पीरियड की बात करें तो इसका प्रयोग फूल वाली अवस्था पर सलामत माना जाता है। गोभी की फसल की बात करें तो फिप्रोनिल 5% SC 7 दिन, साइपरमेथ्रिन 10% EC 7 दिन, कार्बोरिल 50% WP 5 दिन। अब आलू की बात करें तो क्लोरपाइरीफॉस 75% WP 14 दिन, मेटालैक्सिल 8% प्लस मैंकोजेप 64% WP 7 सप्ताह यानी 49 से 50 दिन, ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेन प्लस टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग आलू में बीज उपचार के लिए सलामत है। कार्बाफ्यूरान का प्रयोग भी आलू की फसल में बीज उपचार या बुआई के समय सलामत है। इसी प्रकार से विभिन्न रसायनों का वेटिंग पीरियड विभिन्न फसलों में अलग अलग होता है। वेटिंग पीरियड के बाद फसल या सब्जियों की तुड़ाई करना सलामत होता है। आप सभी इसके बारे में सर्च कीजिएगा, बहुत ही कुछ सीखने जानने को मिलेगा। जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि ऐसी ही उपयोगी जानकारियाँ आपको आगे भी मिलती रहे। जय किसान, जय हिंद।